आप कहते हैं कमर्शियल, पैसा पैसा पैसा। मैं नहीं कह रहा, वो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता। ये कुल आपकी लाइन है पैसा 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 पैसा, मैंने बिल्कुल नहीं बोला लाइन पैसा करते हैं प्लेयर। बिल्कुल जो जब की बोली लगाते हैं आप ये पैसा। अरे जो अगर अगर हमारे को मार्केट फोर्सेज लेके आनी है और राइट प्राइस लेके आना है तो हमारा जो जो मॉडल बना है वो बेस्ट मॉडल है, पूरी दुनिया देख रही है बेस्ट मॉडल है। तो मॉडल में क्या खराबी है? अगर पैसा बनता भी है तो स्पोर्ट्स में जाता है। पैसे की बात कर रहे हैं आप, टीम बेचते हैं, प्लेयर बेचते हैं, ऑप्शन करते हैं, लगाते हैं। हाँ, प्राणा कितना? $2 लाख। प्राणा कितना? $3 लाख। अगर रविंद्र जडेजा पैसे ज्यादा मांग रहा है, 12 लाख की जगह 2 लाख और फालतू मांग रहा है, तो आप उसको टीम से बाहर निकाल देते हैं, बैन कर देते हैं। अगेन आप समझे नहीं है, हम जब ये सिस्टम बनाते हैं वो सिस्टम होता है कि एक गाइडलाइन होती है कि कौन किस तरह से आईपीएल में भाग ले सकता है। अंडर 19 प्लेयर्स का अलग है, डेवलपमेंट प्लेयर्स का अलग है, सीनियर प्लेयर्स का अलग है, और डिफरेंट हायरार्की में पहुंचने तक आपको डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट पैसा मिलता है। अगर जडेजा की बात दूसरी रही ऑल टुगेदर, जो जडेजा ने किया है वो बात उसने आईपीएल के रूल्स को ब्रेक किया है। क्या ब्रेक किया? जो भी रूल्स हैं वो आईपीएल के रूल्स को ब्रेक किया। पब्लिक का मामला ये था, रूल क्या है? तो जो उनके जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो अंडर 19 प्लेयर्स हैं, ऑल अंडर 19 का है। अंडर 19 जब हमारा जब सबसे पहले अंडर 19 के जब प्लेयर्स लिए गए थे 2 साल पहले, उनको ये स्पेसिस पे लिया, उनकी कीमत कम लगी थी उनके लिए। हर अंडर 19 प्लेयर्स की हमने फिक्स प्राइस रखी है, हर प्लेयर की, एक प्लेयर नहीं, जो भी प्लेयर हो, उन प्लेयर को कहा था इस साल एक टीम में जा सकते हैं। उसके बाद अगर वो प्लेयर आगे खेलना चाहे तो वो उसी टीम के लिए खेल सकता है 3 साल तक। अब प्लेयर को टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं और कंडीशन सारी डिफाइंड है कि 3 साल आप छोड़ने से उस टीम को। हाँ, उसके बाद आप ऑक्शन में जाएंगे अगर आप टीम इंडिया में पहुंच गए हैं। तो अभी 3 साल हुए नहीं है, तो टीम दूसरी नहीं ले सकती ना, उसको कोई नहीं ले सकता। तो फिर निकालें क्या उसने? अगर बातचीत मजाक में कर भी रहा है तो आपने निकाला? मजाक में नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें हर चीज में डेडलाइन होती है, और अगर आपने डेडलाइन क्रॉस कर दी है और आपने किसी और टीम के साथ नेगोशिएशन चालू कर दिया है और दूसरा ओनर आपके आपके बिहाफ पे बात करना चाह रहा है, तो आप दूसरे की टीम तोड़ना चाह रहे हैं। ये गाइडलाइंस के बिना तो नहीं हो सकता ना, वायलेशन तो नहीं हो सकता ना। वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस हुआ है ना, जहाँ पे वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस हुआ है तो बीसीसीआई एंड आईपीएल हैज कम डाउन वेरी स्ट्रांगली ऑन वायलेशन ऑफ गाइडलाइन। मैं लड़ते एक बात, अगर 19 साल का लड़का, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर 15 साल या 16 साल के अंदर सेंचुरी बनाने लग गया था, अगर आपने पहले टीम में नहीं लिया, क्योंकि आप यहाँ पॉलिटिक्स होती है किसको सिलेक्शन करना है किसका नहीं, बिल्कुल नहीं। और रविंद्र जडेजा ने अच्छा काम किया, खेला रहा है, तो अगर कीमत की बढ़ती है तो आपकी क्या परेशानी है? जाने दो ना, नहीं जा सकते ना, क्योंकि एक एक अच्छा खेलने वाला सफर करता है। अरे बिल्कुल नहीं, जो जीरो बना उसको 50 लाख दो। अगेन आपको जो बोलना है बोलते रहेंगे इसके बारे में। अगर जो सिस्टम है, अरे विराट कोहली भी तो अच्छा खेलता है और भी तो अच्छे लड़के हैं जो खेलते हैं, अगर वो भी हम सिस्टम में आए हैं तो अगले साल जब हमारा ऑप्शन होएगा वो ऑप्शन में जाएंगे और आप अपनी कीमत बनाएंगे। 3 साल क्यों रखते लिमिट आप? जो हमारी अच्छा, हर साल करिए आप। अब देख, जब हमारी हमारी पॉलिसी जो बनी हुई है, हम पॉलिसी को हर साल चेंज करेंगे, इसलिए कि सीनियर प्लेयर्स को पैसा मिलता रहेगा, उनको दबा के रखे। पहले तो आप जो यंग प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देनी है सीनियर बनने की, खेलने की, सीनियर बनने के लिए खेलने की, खेलने की सीनियरिटी होती है रनों से, उम्र से नहीं होती। उम्र और खेलने से भी होती है पहली बात। हाँ, तो जब वो पहले चालू ही किए हैं, अब उनको आगे बढ़ने दो, और जब बढ़ेंगे तो पूरी पूरी जिंदगी आगे है। अगर जिंदगी आगे है तो अगला ऑप्शन में जाएंगे। सचिन को मौका नहीं मिलता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ता इस साल उम्र में आकर के 15 साल की उम्र। जडेजा को मौका देखो तभी तो आगे बढ़ेगा, मौका खेलेगा ना, तो उसमें क्या है? आगे आप खेलिए और अपना अपने आपका फ्यूचर आगे बढ़ेगा। आपने उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया बैन करके। हमने इसलिए बैन कर दिया उसको 1 साल के लिए क्योंकि उसने हमारे रूल्स तोड़ दिए। उसका मतलब अच्छे प्लेयर को आप पनिश, अगर अगर कोई भी प्लेयर हो, अगर प्लेयर कोई भी रूल तोड़े, हाँ, और वो रूल उसको कितनी बार समझाने पे भी वार्निंग दे सकते थे, वार्निंग दे दीजिए ना। अगर वार्निंग नहीं दी होती, और एक वार्निंग नहीं दी होती, दो वार्निंग नहीं दी होती तो दूसरी बात है, वार्निंग देने के बाद ही तो उसने जब माना नहीं तो उसके बाद ही तो ये डिसीजन लिया गया। की सिलेक्शन में जो राजनीति होती है ना, देर इज नॉट राजनीति आज की तारीख में, दिस इज नॉट सिलेक्शन। सिलेक्टेड तो था ही वो, 3 साल के लिए सिलेक्टेड हो गया। अगर कोई प्लेयर दूसरी बात करना चाहे तो अगर उसने कोई रूल तोड़ा है तो उस रूल तोड़ने के लिए ये तो रूल की बात होगी ललित। हाँ, कई जगह है कि हम पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे। हमने बिल्कुल नहीं बोला पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे। हमने बिल्कुल बोला कि हम ना, अगर सी हमारा जॉब है, छह प्लेयर वर्ल्ड के पाकिस्तान चैंपियन है वो, ये सवाल इतने महीनों से, एक महीने से चल रहा है ऑलरेडी। इसमें बहुत बात हो चुकी है, मेरे को इसमें और इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर आज वैकेंसी हो गई तो वैकेंसी हो गई और किसी टीम ने लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं।